जनपद सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज तहसील के प्रागण में डुमरियागंज विधायक राघविंदर प्रताप सिंह द्वारा एक अनोखी पहल का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। हर विभाग में अलग अलग काउंटर लगेंगे। प्रति एक माह दूसरे शुक्रवार के उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया के, जहाँ पर सदर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक परशुराम त्रिपाठी ने RPF GRP व देवरिया पुलिस के साथ स्टेशन सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और यात्रियों के बैग की चेकिंग की। इसी दौरान सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन कैमरे के द्वारा निगरानी की गई। उत्तर प्रदेश विधान परीक्षा समिति के सभापति साहब सिंह सैनी पहुंचे गाजियाबाद। वहीं साहब सिंह सैनी खाद्य पदार्थों के मिलावट और नकली दवाओं के प्रचलन को लेकर स्वास्थ्य समस्याओं पर रोकथाम के संबंध में जिला अधिकारियों से बैठक की और उन्हें दिशा निर्देश दिए। साथ ही कई अधिकारियों पर साहब सिंह सैनी नाराज नजर आए। सर, लगातार गाजियाबाद में नकली मिठाइयों पर कार्रवाई हुई है, पशु कटान पे हुई है, लेकिन भाई जो का जो स्थिति है, आप आए हैं गाजियाबाद में, क्या देखा और ऐसे लोगों के खिलाफ अब क्या कार्रवाई? मिठाई वालों के बारे में मैंने उनसे सख्त निर्देश देने का काम किया है कि जो इस तरह का बिलावट की सामान बेचने का काम कर रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आप काम करें। प्रतिष्ठान भले ही आपने बंद करना है उसे बंद करने का, सीध करने का काम करें, लेकिन इस तरह की मिठाई या मावा या दूध से बना कोई पदार्थ बनावटी नहीं बिकेगा। सर, पशु कटान भी लगातार गाजियाबाद या अन्य आसपास के जिले वहाँ भी जारी है, किसी न किसी की मिलीभगत से है। वहाँ अगर कोई कार्रवाई करने जाता है जान के खतरे होते हैं, तो क्या उस पर कुछ ठोस कदम उठाएंगे? इसमें माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। मेरे सामने ये बात आई है कि गाजियाबाद और आसपास कटान भारी तादाद में हो रहा है। हाउस में कुछ उठाऊंगा और मान सदन में कुछ उठाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री से भी इस बारे में बात करने का काम करूँगा। लंबे समय जमे अधिकारियों के खिलाफ क्या कर रहे हैं इसके बारे में भी, क्योंकि सरकार वालों की है, हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। जो अधिकारी ज़्यादा देर से पूरे प्रदेश में जमे हुए हैं, पूरे प्रदेश में गाजियाबाद के अलावा भी, उनको निश्चित तौर से डिस्टर्ब करने का काम करें, दूसरे का स्थानांतरण करने का बात आपकी रखी जाएगी कि आप कह रहे हैं जमे हुए अधिकारी की देखिए आने वाले समय में हम अधिकारियों के तबादले देख सकते हैं, जानते नहीं। मैं निश्चित तौर से सदन में भी इस बात को कहूँगा कि पूरे प्रदेश में जो अधिकारी जमे हुए उन्हें हटाने का काम करें, माननीय मुख्यमंत्री से भी इस बारे में बात करूँगा, तभी प्रभावी कार्रवाई जमीन पर हो सकती है। जैसे सदन साफ शुरू होगा देखी जाए कम है और खपत बहुत ज़्यादा आ जाएगी। मैंने आपसे बताया कि WHO की रिपोर्ट ये है कि 14 करोड़ दूध का उत्पादन है, खपत 64 करोड़ लीटर है। ये इतना भारी अंतर है, 50 करोड़ लीटर दूध कहाँ से आ रहा है? ये सिर्फ बनावटी दूध का, हम जहर पी रहे हैं, अपने बच्चों को जहर पिला रहे हैं, उस पर क्या रोकथाम आपकी तरफ से किया? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बात छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट उस पर कह चुका है, WHO की रिपोर्ट उस पर है। कौन सी सजा मिलनी चाहिए जो नकली सामान लगा? WHO इस पर कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इसमें प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से अधिकारियों की तरफ से वो उन पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही पा रही है और बार बार उसके पुनरावृत्ति हो रही है। जो अधिकारी इसमें लिप्त है क्या उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई? मैं आपके माध्यम से लगाने आया मुख्यमंत्री से बात करूंगा और सदन में भी इस क्वेश्चन उठाने का काम करूंगा।